हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अर्निवर्स इन स्पेस। तो स्टूडेंट, हम अपने स्पेस के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से जो है प्लैनेट हैं, ठीक है, और उन्हीं प्लैनेट के आसपास क्या है, तो हम पूरे के पूरे स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, इस चैप्टर के सीबीएसई की अलग अलग बुक्स पे जो है अलग अलग नाम होंगे, लेकिन चैप्टर के बीच में जो कुछ भी है वो सारा सेम ही है, ठीक है। तो लाइक कुछ चैप्टर का नाम होगा द यूनिवर्स, है ना, और सोलर सिस्टम, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उनके अंदर जो भी आपको जो है टॉपिक दिए हुए हैं, वो सभी बुक्स में सेम ही होते हैं, ठीक है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आवर नेबर्स इन स्पेस। जस्ट लाइक पीपल लिविंग क्लोज टू आवर हाउस आर आवर नेबर्स प्लैनेट एंड अदर हेवनली बॉडीज विच आर क्लोज टू द अर्थ आर आवर नेबर्स इन स्पेस, लेट्स लर्न मोर अबाउट देम। तो कहता है कि जैसे हमारे आसपास जो है लोग रहते हैं, ठीक है, हम उनको क्या मानते हैं, अपने नेबर्स, ऐसे ही हमारे प्लैनेट अर्थ के आसपास भी बहुत सारी हेवनली बॉडीज होती हैं और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो उनको हम अपने स्पेस के नेबर्स मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो सोलर सिस्टम जो है उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, द सोलर सिस्टम। तो स्टूडेंट, आप जो है स्टार्टिंग से ये एक स्ट्रक्चर देखते आ रहे हो कि सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन होता है ना, और सन के अराउंड जो है वो अलग अलग ऑर्बिट्स में प्लैनेट घूमते, तो हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा होता है ना। तो यहाँ पर भी प्लैनेट है, यहाँ पर कोई और प्लैनेट है ना, फिर यहाँ पर कोई और प्लैनेट है, यहाँ पर कोई और प्लैनेट है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हम इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, तो वो हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सोलर सिस्टम क्या होता है, वी नो दैट द अर्थ एंड द अदर सेवन प्लैनेट टुगेदर विद देयर मून एंड द सन मेक द सोलर सिस्टम। तो जैसे कि स्टूडेंट हमने देखा, मैंने अभी भी आपको डायग्राम बनाकर बताया कि सोलर सिस्टम में क्या होता है, मून होते हैं, सन होते हैं और प्लैनेट होते हैं, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम। लेट्स स्टडी द कंपोनेंट ऑफ सोलर सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द सन। तो अब हम सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, तो स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं, सन से। सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि सन जो है वो सेंटर में होता है, ठीक है, या फिर जो सन है वो साइड में होता है और उसके अराउंड जो है सभी प्लैनेट घूमते हैं, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि ये सेंटर में जो है हमारा सन है और उसके अराउंड जो है सभी प्लैनेट घूम रहे हैं, तो इसलिए हेड किसको बोलते हैं सोलर सिस्टम का, उसको सन को, ठीक है। और वो कहाँ होता है, सेंटर में होता है। ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, इट इज अ ह्यूज वॉल ऑफ फायर एंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। तो ये स्टूडेंट कैसा दिख रहा है, फोटो के अंदर आप देख सकते हो कि ये ह्यूज बॉल ऑफ फायर, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा आग का गोला हो, ठीक है। और ये मेन सोर्स होता है एनर्जी का सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट, द सन इज अ मीडियम साइज स्टार और साइंटिस्ट हैव नेम्ड इट सोल। तो हमारा जो सन है वो मीडियम साइज का ही होता है और इसीलिए साइंटिस्टों ने इसको क्या नाम दिया है, सोल। दैट्स व्हाई आवर सोलर सिस्टम और सिस्टम ऑफ प्लैनेट इज नोन एज सोलर सिस्टम। तो जो हमारे प्लैनेट्स का सिस्टम है, इसी वजह से उसका नाम क्या है, सोलर सिस्टम। नेक्स्ट स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारा सोलर सिस्टम होता है उसमें सबसे पहला ग्रह कौन सा होता है, वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द प्लैनेट
closest planet to the sun, it is the smallest planet in the solar system. तो solar system में सबसे छोटा planet कौन है? Mercury. और ये बिल्कुल sun के पास होता है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर solar system है, solar system के around जो है ऐसे planet घूम रहे हैं, तो सबसे closest planet कौन सा है? ये Mercury. तो ये जो है बिल्कुल sun के close होता है. नेक्स्ट वीनस, इट इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन. ये सन से सेकेंड नंबर पर आता है. ठीक है, तो मर्क्यूरी के बाद कौन सा प्लैनेट आता है? वीनस. इट इज द बिगेस्ट प्लैनेट एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द इवनिंग स्टार. और ये बड़ा प्लैनेट है. ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है? इवनिंग स्टार. इट इज वेरी हॉट. और ये भी बहुत ज्यादा हॉट होगा क्योंकि ये सेकेंड नंबर पर है. नेक्स्ट अर्थ. तो ये तो स्टूडेंट हम सभी को पता है कि हमारी अर्थ कैसी है. ये कुछ ब्लू सी दिखती है ना. और हमारी अर्थ जो है थर्ड नंबर पर है, इसीलिए द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. इसीलिए ये तीसरे नंबर पर है ना. इट इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट लाइफ. और ये एक ऐसा ग्रह है जहां पर लाइफ है. इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट. और इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज 70% 7 out of 10 पार्ट्स ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. तो इसकी जो 70% सरफेस है वो वाटर से कवर है. द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म. ठीक है, तो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है. ठीक है, नेक्स्ट मार्स. ठीक है, जिसको हम मंगल ग्रह भी बोलते हैं. तो मार्स ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट. इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं. और देखिए आप, जो मार्स है वो कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे रेड रेड जो है सॉइल हो. ठीक है, और ये फोर्थ प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. नेक्स्ट, द हाइएस्ट नोन माउंटेन इन द सोलर सिस्टम ओलंपस मोन्स इज सिचुएटेड ऑन द मार्स. तो सबसे बड़ा जो माउंटेन है स्टूडेंट, वो आपने याद रखना है वो कौन सा है. वो ओलंपस मोन्स है. और वो कहाँ पर है? वो मार्स के ऊपर है. ठीक है, नेक्स्ट यूपिटर. यूपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन. तो यूपिटर जो है फिफ्थ नंबर पर है. जैसे कि स्टूडेंट अभी मैंने आपको दिखाया था कि सोलर सिस्टम जो है हमारा वहां पर कैसे है. तो ये है हमारा सन. तो पहले नंबर पर आ गया मर्क्यूरी, उसकी हमने बात कर ली. फिर हमने वीनस की बात की. फिर ये है हमारा अर्थ जो कि थर्ड नंबर पर है. फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं मार्स की. उसके बाद अब हम यूपिटर पर हैं. ठीक है, अब यूपिटर जो है वो फिफ्थ नंबर पर है और ये लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का? जुपिटर. नेक्स्ट यूपिटर के बाद जो है नेक्स्ट सर्कल किसका है? सैटर्न का. तो सैटर्न जो है उसके अराउंड स्टूडेंट, अब यहाँ से जो ग्रह होंगे, देखिए जो सैटर्न है मतलब यूपिटर के बाद जितने भी ग्रह होंगे उनके अराउंड क्या होंगी? रिंग होगी स्टूडेंट. ठीक है, तो ये सैटर्न और यूरेनस जो है इनके पास रिंग होती है. सैटर्न इज द सिक्स प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. तो जुपिटर के बाद जो है वो यही ग्रह है जो सबसे बड़ा है. इट हैज अ सिस्टम ऑफ रिंग्स अराउंड इट. तो इसके अराउंड बहुत सारी रिंग्स होती हैं. नेक्स्ट यूरेनस. यूरेनस कितने नंबर पर है? सेवंथ नंबर पर. ठीक है, सो यूरेनस इज द सेवंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन. नेक्स्ट नेपच्यून. नेपच्यून इज द एट एंड फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इन आवर सोलर सिस्टम. तो नेपच्यून जो है वो एट नंबर पर है और वो सबसे दूर वाला प्लैनेट है. और ये बहुत ज्यादा ठंडा होता है, इसलिए देखिए इसका जो आपको कलर भी दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि जैसे जो है बर्फ जम गई हो, है ना. तो बर्फ जैसा कुछ दिखता है ये.
Next, apart from these, there are some dwarf planets which revolve around the sun. कहता है कि इनके अलावा भी कुछ छोटे छोटे ग्रह होते हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं. दे आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम फैमिली. ये भी सभी सोलर सिस्टम के ही मेंबर हैं. प्लूटो इज वन ऑफ द ड्वार्फ प्लैनेट विच वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट. तो प्लूटो भी इनमें से एक है. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट, अर्थ और इट्स मून. तो अर्थ जो है उसके कितने मून है? अर्थ के पास तो एक ही मून है ना. हमारे जो है पास कितने मून है? एक ही है. हमें डेली एक ही मून दिखता है ना, तो इसलिए अर्थ का एक ही मून होता है. और वो कैसा होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द ब्लू प्लैनेट और द अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लैनेट इन मेनी वेज. तो हमारी अर्थ जो है दूसरे प्लैनेट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है. और क्यों डिफरेंट है इसकी कुछ बातें हैं. तो फर्स्ट है, इट सपोर्ट्स वैरायटी ऑफ लाइफ. तो इसमें बहुत सारी लाइफ देखने को मिलेंगी. हैज वाटर इन लिक्विड स्टेट. यहाँ पर वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है. एंड हैज आइडियल टेम्परेचर फॉर लिविंग. तो जीने के लिए हमारे पास अच्छा सा टेम्परेचर भी है यहाँ पर. इट हैज वन नेचुरल सैटेलाइट विच वी कॉल द मून. ठीक है, तो इसका एक नेचुरल सैटेलाइट भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, मून, चंद्रमा, है ना. द मून हैज माउंटेन, वैली, ओल्ड वोल्केनो साइट्स एंड मेनी बाउल लाइक होल्स कॉल्ड क्रिएटर. तो आप फोटो के अंदर देख सकते हो कि मून के ऊपर कुछ होल लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम क्रिएटर्स बोलते हैं. और जो मून है वहां पर माउंटेन्स और वैलीज भी होती हैं. इट इज नॉट अ ल्यूमिनस बॉडी. और जो हमारा मून है वो एक ल्यूमिनस बॉडी नहीं है. ठीक है, ल्यूमिनस बॉडी क्या होती है जिसकी, ठीक है, ल्यूमिनस बॉडी क्या होती है स्टूडेंट, जिसकी अपनी लाइट हो. लेकिन मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, है ना. तो मून की अपनी कोई लाइट नहीं है तो ये क्या करता है, सन की लाइट जो है वो दिन भर लेता है, देन बाद में उसको क्या करता है, रात को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, तो इसीलिए जो मून है उसको हम ल्यूमिनस बॉडी में नहीं मानते. नेक्स्ट स्टूडेंट, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो अर्थ की हम रोटेशन देखेंगे अब कैसे होती है. तो इसके लिए स्टूडेंट आपको ग्लोब को याद रखना है. जो ग्लोब होता है उसको कुछ हम ऐसे देखते हैं, है ना. तो ग्लोब की एक साइड जो ऊपर वाली होती है उसको हम नॉर्थ मान सकते हैं, नीचे वाली जो है वो साउथ होती है, और साइड्स वाली आपको पता ही ईस्ट और वेस्ट है ना. और जो हमारी अर्थ है उसको दो भागों में कौन बांटता है, ये हमारे जो है ना. तो ये हमारा एक अर्थ का जो एक्सिस है, ठीक है, वो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना. तो उसके बाद जो है अर्थ के ये तो हो गए पोल. एक मिनट, ये देखिए स्टूडेंट ग्लोब कैसा होता है, कुछ ऐसा देखने को हमें मिलता है. और इसके ये हैं, ये है इसके पोल नॉर्थ एंड साउथ, और ये है इसके इक्वेटर, ये वाले और ये वाले. तो मतलब ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, है ना, और ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट. अब स्टूडेंट अर्थ जो है हमारी दो भागों में बटी हुई है ना. और इसके ऊपर वाले भाग को फिर हम क्या बोलेंगे, आधे सर्कल को हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर, है ना. तो इसलिए जो ऊपर वाला भाग होगा वो आधा है और नीचे वाला आधा. इसलिए ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, साउथ, ठीक है, सदर्न, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर. We have studied in the previous class that the earth has an imaginary line running through its center. ठीक है,
तो हम पहली क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ को दो भागों में बांटा हुआ है सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन ने, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड, जो हमारी अर्थ का एक्सिस होता है वो कुछ टिल्टेड होता है, मतलब कुछ टेढ़ा होता है। द टू ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस थ्रू विच इट्स एक्सिस पास आर नोन एज पोल्स। ठीक है, तो धरती के जिन पार्ट से ये एक्सिस जो है वो निकलता है उन्हीं को हम बोलते हैं पोल्स। द अर्थ एक्सिस रन फ्रॉम द, जो अर्थ का एक्सिस है वो कहां से निकलता है, नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से होता हुआ वो साउथ पोल की तरफ जाता है। द इक्वेटर इज अनदर इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ, फिर हमारे जो इक्वेटर है वहां पर भी थोड़ा सा एक इमेजिनरी लाइन हमें दिखाई दे रही है, विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पोल, जो दोनों पोल से इक्वल डिस्टेंस पर है ना। इट डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट, इससे हमारी अर्थ जो है दो पार्ट में डिवाइड हुई है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर, है ना। देर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अब अर्थ में दो तरीके की मूवमेंट होती है, एक होती है रोटेशन एक होती है रेवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, जब अर्थ जो है अपने ही एक्सिस के आसपास घूमती है उसको हम बोलते हैं रोटेशन। इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, ठीक है, अर्थ 24 आवर्स लेती है जिस एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए, जिससे हमारी जो हम कहते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर दिन और रात होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस टिल्टेड एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट, तो इसी वजह से हमारे धरती के ऊपर दिन और रात होते हैं। द हाफ दैट फेसेस द सन हैज डे, ठीक है, जो हाफ जो है हमारी अर्थ का वो क्या होता है, सन की तरफ होता है ना, वहां पर होता है दिन, व्हाइल द अदर हाफ दैट इज अवे फ्रॉम द सन, जो सन से दूर होता है पार्ट पृथ्वी का, उस पर क्या होती है, रात होती है। नेक्स्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, तो अर्थ जो है हमारी सन के अराउंड भी घूमती है और वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमती है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। द अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है एक रोटेशन जो है कब तक कंप्लीट करती है, 365, मतलब उसको 365 दिन लग जाते हैं सन के अराउंड घूमने में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा सन जो है फिर कितना बड़ा होगा, है ना, अर्थ के मुकाबले, तो अर्थ के मुकाबले उसका कितना बड़ा साइज होगा। दिस टाइम पीरियड मेक्स वन ईयर ऑन द अर्थ, और इसी से क्या बनता है हमारी अर्थ के ऊपर वन ईयर। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन सीजन, इसी की वजह से हमारी अर्थ के ऊपर सीजन जो है वो बनते हैं। When the earth move around the sun on its tilted axis, then half of the earth is nearer the sun. ठीक है, फिर जब अर्थ भी घूमेगी है ना सन के राउंड, तो फिर आधी जो है हमारी जो सन का पार्ट होगा, सॉरी आधा जो हमारी अर्थ का पार्ट होगा स्टूडेंट, वो जो है सन के अगर पास होगा तो वहां पर क्या होगा, समर, और जो दूर होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा विंटर सीजन, है ना। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि दोनों सीजन जो है हमारे किस तरीके से आते हैं, तो आप देख सकते हो इस फोटो में कि जो पार्ट जो है वो सन के बिल्कुल सामने है वहां पर क्या होगा, समर, और जो दूर होंगे सन से वहां पर होगा विंटर सीजन। ठीक है, और
देखिए स्प्रिंग और ऑटम सीजन कैसे आते हैं, स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसी तरीके से आते हैं हमारे समर और विंटर सीजन और स्प्रिंग और ऑटम सीजन अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, द रीजन ऑफ द अर्थ नियरर द इक्वेटर रिसीव ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो जो रीजन जो है, मतलब जो एरियाज जो है अर्थ के इक्वेटर्स के पास होते हैं, उनको इक्वल पार्ट ऑफ सनलाइट मिलती है, ठीक है। लेकिन जो दूर होते हैं, दिस रीजन ऑलवेज रिमेन हॉट एंड हैज डेज एंड नाइट्स इक्वल ड्यूरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर धूप भी होगी और गर्मी भी बहुत ज्यादा होगी जो इक्वेटर्स के पास होंगे, लेकिन जो दूर होंगे वहां पर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर तो हमने देख लिया कि ये गर्म है, ठीक है, और वहां पर दिन और रात जो है इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं, इक्वल टाइम होता है, मतलब 12-12 आवर के होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड द पोल्स रिसीव सनलाइट ओनली फॉर 6 मंथ, ठीक है। जहां पर 6 मंथ के लिए लाइट है, मतलब वो दूर है, ठीक है, और वहां पर 6 मंथ के लिए वो लाइट जो है वो रिसीव कर रहे हैं, और वहां पर क्या है एंड रिमेन डार्क फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। वहां पर 6 मंथ जो है वो डार्कनेस होती है और 6 मंथ ही वहां पर लाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इफ द अर्थ वॉज नॉट टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस then both the hemisphere would have received equal amount of sunlight. Discuss what would have been consequences of this. कहता कि अगर हमारी अर्थ जो है थोड़ी टिल्टेड ना होती तो हमारे दोनों जो हेमिस्फीयर हैं उनको बराबर की लाइट मिलती, और अगर बराबर की लाइट मिलती तो क्या होता, तो स्टूडेंट हम नाइट को कभी देख नहीं पाते है ना। नेक्स्ट स्टार्स, स्टार्स के बारे में अब पढ़ेंगे स्टूडेंट। हमने प्लैनेट के बारे में पढ़ लिया, मून के बारे में पढ़ लिया, और हमने सन के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। यू कैन सी टाइनी स्टार ट्विंकलिंग इन द स्काई ऑन अ क्लियर नाइट, ठीक है। तो आपने देखा होगा स्काई में बहुत सारे स्टार्स को ट्विंकल करते हुए। दीज अपियर सो स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, और ये बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत दूर है अर्थ से। अ स्टार इज अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस विच गिव आउट हीट एंड लाइट एनर्जी, तो स्टूडेंट जैसे कि सन की अपनी लाइट होती है ऐसे ही स्टार्स की भी अपनी लाइट होती है, और ये कैसे दिखते हैं, ये भी हमें ह्यूज बॉल की तरह दिखते हैं कि जैसे गैसेस की बहुत बड़ी वॉल हो। विच गिव आउट हीट एंड लाइट एनर्जी, जो हमें हीट भी देते हैं और लाइट भी देते हैं। स्टार डिफर ग्रेटली इन देयर साइजेस, और स्टार्स के अलग अलग साइजेस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ स्टार जो हैं हमें छोटे दिखाई देते हैं और कुछ जो हैं बहुत बड़े दिखाई देते हैं, ठीक है। सम स्टार्स आर स्मॉल वाइल अदर आर वेरी बिग, है ना, कुछ थोड़े बड़े होते हैं और कुछ थोड़े छोटे होते हैं। वी सी स्टार इन ग्रुप्स इन द स्काई, और हमारे जो स्टार होते हैं वो ग्रुप्स में होते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं गैलेक्सीज। तो ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज गैलेक्सीज। सर्टेन ग्रुप्स ऑफ स्टार सीम टू फॉर्म अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई, ठीक है। और कुछ जो है स्टूडेंट आपने देखा होगा कि कुछ अलग अलग जो है पिक्चर बनाते हैं, अलग अलग पैटर्न बनाते हैं, है ना। हम कभी कभी अपने आप भी ज़ूम कर लेते हैं कि नहीं वहां पर जो है ये काऊ बनी दिखाई दे रही है, नहीं नहीं वहां पर जो है एक चेयर बनी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि स्टार्स के ग्रुप जो है अलग अलग जो है शेप्स और पैटर्न बनाते हैं। तो स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉन्स्टिलेशन। So some of the constellation are Ursa Major, Ursa Minor and Orion. तो स्टूडेंट इनमें से कुछ कॉन्स्टिलेशन जो हैं वो कौन कौन से हैं, Ursa Major, Ursa Minor and Orion.
नेक्स्ट स्टूडेंट जो है ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो है इसकी बैक एक्सरसाइज है, तो ये बैक एक्सरसाइज जो है अलग अलग बुक्स पर अलग अलग है, ठीक है। आप इनको चैप्टर की हेल्प से सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।